श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति भजन प्रोडक्शन में स्वागत है। मैं विजेंद्र राज बड़ी ही प्यारी कहानी लेके आया हूँ कि कर्मों का प्रतिफल। कि एक बार की बात है, श्री नारद जी विष्णु लोक की यात्रा पर जा रहे थे। रास्ते में नारद जी को दो सरोवर मिले जिनका जल बड़ा ही साफ, स्वच्छ, शीतल और मीठा था। लेकिन वे बड़े दुखी थे क्योंकि कोई भी उनका जल नहीं पीता था। आगे चलने पर उनको दो विशालकाय आम के वृक्ष मिले जो बड़े ही मधुर फलों से लदे हुए थे। परंतु दोनों वृक्ष भी दुखी थे क्योंकि उनके फल को कोई नहीं खाता था। आगे चलने पर उसको दो दूध देने वाली दुधारू गायें भी मिली जिनका दूध उनके बछड़े भी नहीं पी पाते थे, इसलिए वे दुखी थी। अब देखिए, पानी है, मीठा है, कोई पीता नहीं। वृक्ष हैं, फल हैं, कोई खाता नहीं। गाय हैं, दूध भी दे रही हैं, कोई पीता नहीं। नारद जी ने भगवान विष्णु के पास जाकर रास्ते में मिले उस आम के वृक्ष और गायों के दुखी होने का कारण बताने की प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि ये सब कर्मों का खेल है नारद। कर्मों का खेल कैसे प्रभु? कहा कि विधाता केवल न्याय करते हैं, उन्हें किसी के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है, किसी के राग द्वेष से कोई मतलब नहीं है। दोनों सरोवर पूर्व जन्म में दो सगी बहनें थीं। वे धनाढ्य और दानी भी थी लेकिन दान देने में पक्षपात करती थी। कैसा पक्षपात? केवल अपने परिचितों को ही दान देती थी। इतना ही नहीं, वे हमेशा अपनी प्रशंसा की कामना भी करती थी कि हम किसी को कुछ दान दें तो बदले में हमारी प्रशंसा करें। उनके विचारों में बड़ी ही संकीर्णता थी। उनका उद्धार तभी होगा जब सरोवर का पानी नहरों के द्वारा सारे खेतों को मिले और सभी का कल्याण हो। इसी तरह दोनों आम के फल पूर्व जन्म में प्रकांड विद्वान थे लेकिन स्वार्थी होने के कारण उनकी विद्वत्ता का लाभ अन्य लोगों को नहीं मिलता था। उनका उद्धार तभी होगा जब उनके फलों के बीजों से अनेक बाग लगाए जाएंगे और सभी लोगों को फल खाने को मिले। दोनों गौवों के विषय में भगवान ने कहा कि ये दोनों गायें पूर्व जन्म में महिलाएं थीं। वे मात्र अपने पति तथा बेटों का ध्यान रखती थीं। उनमें स्वार्थ और कपट की भावना बड़ी ही प्रबल थी और स्वभाव भी उनका बड़ा ही संकुचित था। उनका उद्धार तभी होगा जब उनका दूध अभावग्रस्त रोगियों, पीड़ितों और निर्धन बालकों को मिले। भगवान के समाधान के अनुसार तीनों ने आचरण किया और कुछ समय बाद ही तीनों का दुख दूर हो गया। इस बात से पता चलता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार कर्मफल अवश्य मिलता है। कर्मफल मिलने में भले ही विलंब हो, देर लगे, लेकिन कर्मफल तो मिलेगा ही। तो मुझे लगा कि हम भेदभाव न करें, जब भी कोई धर्म का काम करें तो निष्पक्ष रूप से उसे पूरा करना चाहिए। तो ये बड़ी ही प्यारी कहानी मुझे पढ़ने को मिली, मैं आपके लिए लेके आया। आगे भी कुछ कथा, कहानियाँ, किस्से, प्रसंग आप तक लाता रहूँगा। अगर आपको कहानियाँ पसंद आती हैं तो आप इन्हें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ को नोटिफिकेशन मिलते रहें। श्री राधे।